आज हम स्टीम करके बनाएंगे बटर मसाला भुट्टा। तो बटर और चटपटे मसालों में लिपटे हुए ये भुट्टे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मक्खन में भुने हुए हमारे भुट्टे ऊपर से नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़े से मसाला छिड़क दीजिए ऊपर से। एकदम चटपटे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। तो आइए बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी बटर मसाला भुट्टा। तो आइए बना लेते हैं बटर मसाला भुट्टा। देखिए, इसके मैंने दो भुट्टे लिए हैं, एकदम फ्रेश हैं, यानी कि कॉर्न कॉब्स लिए हैं मैंने दो, और बड़े साइज के हैं। आप चाहें तो इनको दो पीस में कर सकते हैं, चार पीस में कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाऊंगी इनको। और कुछ मसाले लेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, थोड़ी सी है अजवाइन, और ये है चाट मसाला थोड़ा सा, और नींबू लेंगे हम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा बटर, क्योंकि हम बनाएंगे बटर मसाला भुट्टा। तो दो या तीन टेबलस्पून बटर ले लीजिए। तो आइए बना लेते हैं। अब देखिए, मैंने एक बड़े भगोने में पानी रखा है बॉईल होने के लिए। पानी मेरा बॉईल हो रहा है और मैंने छलनी में अपने दोनों भुट्टे रख दिए हैं। देखिए, जो कॉर्न कॉब्स है हमारे, छलनी में रखे हैं मैंने। अगर छलनी नहीं है आपके पास तो कोई प्लेट हो जाली वाली, उसके ऊपर रख दीजिए। देखिए, हमने इन्हें छलनी में रख दिया है। देखिए, नीचे पानी बॉईल हो रहा है, यानी कि हमें स्टीम करना है इनको ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमारे भुट्टे। तो कम से कम 15 या 20 मिनट हम इनको स्टीम करेंगे और ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह स्टीम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए हमारे भुट्टे, और फिर चेक करेंगे। तो अब भुट्टों को स्टीम होते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें हम खोल के चेक कर लेते हैं। हमने इनको मीडियम फ्लेम पे स्टीम किया था और देखिए स्टीम हो गए हैं ये। तो हमारे भुट्टे स्टीम हो गए हैं एकदम सॉफ्ट, और देखिए जूसी, गर्म गर्म हमारे, बहुत गर्म है। इस तरह से पकड़ के इनको निकाल लेंगे हम और प्लेट में रखेंगे। देखिए कितने जूसी लग रहे हैं इस समय ये। तो हमने इन्हें स्टीम करके निकाल लिया है। देखिए काफी गर्म है अभी तो, और एकदम सॉफ्ट से हो गए हैं दाने इसके, और जूसी से लग रहे हैं एकदम फ्रेश। तो आइए बनाते हैं इसका बढ़िया सा बटर वाला मसाला। अब एक बड़ा सा पैन लेंगे और उसमें देखिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर, और बटर का मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें दोनों भुट्टे डाल देंगे अपने। तो देखिए, बटर का मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि बटर जलता बहुत जल्दी है। तो बस बटर मेल्ट होता रहेगा और भुट्टों को हम भूनना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ बटर मेल्ट हो जाएगा और भुट्टे हमारे भूनते जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट तक हमें इनको भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से भून जाएं हमारे जो भुट्टे हैं। अब अपने भुट्टों को देखिए, इस तरह से हम घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ में बटर लिपट जाए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से भून जाए हमारे भुट्टे चारों तरफ से। और इनको स्टीम तो हम पहले ही कर चुके थे, सॉफ्ट तो ये हैं, बस इनको ऊपर से हम थोड़ा क्रिस्पी करना है हमें। तो देखिए, इस तरह घुमाते हुए इनको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से इस तरह से हिलाते हुए हम अपने भुट्टों को भून लेंगे ताकि चारों तरफ से इनकी सिकाई हो जाए अच्छी तरह से। तो 2 से 3 मिनट तक भूनना है इनको, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो बस मीडियम रखेंगे फ्लेम को, लो टू मीडियम, और इनको भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट मैंने मक्खन में भून लिया अपने भुट्टों को। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से फैलाते हुए हम नमक ऐड कर लेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन, इस तरह से। देखिए, दोनों पे डाल देती हूँ मैं। अजवाइन डाल दी हमने दोनों भुट्टों के ऊपर, नमक भी डाल दिया है, और अब इसको हिला हिला के हम इन भुट्टों के ऊपर लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हिलाएंगे हम ताकि ये लिपट जाए नमक और अजवाइन इनके ऊपर अच्छी तरह से। नमक और अजवाइन डालने के बाद हमें इसको 1 मिनट तक भूनना है, इस तरह हिलाते हुए। बस 1 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें बाकी मसाले। अब हम डालेंगे चाट मसाला। लाल मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्च एकदम से जल जाती है, तो उसे बाद में डालेंगे हम। तो अभी मैं बस चाट मसाला डाल देती हूँ दोनों भुट्टों के ऊपर। देखिए, इस तरह से 1-1 टीस्पून दोनों पर डाल दिया है मैंने चाट मसाला। और अब इसको भुट्टे को हिलाएंगे ताकि जो चाट मसाला है लिपट जाए अच्छी तरह से भुट्टों के ऊपर। चाहे तो पैन को इस तरह हिला लीजिए, चाहे आप स्पून से भुट्टों को हिला लीजिए, जिस तरह आप चाहें इस तरह से कर लीजिए। हमने इसमें चाट मसाला, नमक और अजवाइन सब मिक्स कर दिया। और अब देखिए, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बटर मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो देखिए, थोड़ा सा बटर मैंने और लिया है और लगा दूँगी इनके ऊपर ताकि बहुत ही बटरी से और टेस्टी बने। थोड़े से ड्राई लग रहे थे मुझे, तो मैंने और बटर लगा दिया इसमें। थोड़ा सा बटर मैंने रोक भी लिया है, देखिए।
और अब इनको हम दोबारा से हिलाएंगे ताकि भुन जाए अच्छी तरह। अब देखिए मैंने अपने भुट्टे को टोटल 8 से 9 मिनट पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और फ्लेम को तेज नहीं करिएगा और हिलाते रहिएगा ऐसा ना हो कि भुट्टे जली जाए हमारे। तो अब देखिए कितना अच्छा कलर सा आ गया है इनके ऊपर, भुना भुना सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो बस इसमें हम डालेंगे अब और कुछ चीज़ें। तो हमारे भुट्टे को कुक होते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया ताकि थोड़े फ्रेश फ्रेश से जूसी से लगे हमारे भुट्टे। और देखिए मिक्स कर देंगे इनको भी इस तरह से। तो धनिया ऐड करने के बाद भी हमें 1 मिनट और पका लिया इसको बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हिलाते हुए इस तरह से। और देखिए बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, अब देखिए भुने भुने से बिल्कुल तैयार लग रहे हैं। और आप देखिए पैन में बिल्कुल बटर नहीं दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ड्राई है पैन मेरा, तो मैंने बटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, इतना बटर तो लगता ही है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, ऑफ करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि जो रेड चिल्ली पाउडर है लाल मिर्च बहुत जल्दी जल जाती है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया। पैन तो मेरा काफ़ी गर्म है अभी, तो लाल मिर्च मैंने डाल दी इसके ऊपर और अब इसको हिला कर मिक्स कर लूँगी बस इसी तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश नींबू का रस। तो देखिए इसमें हम पूरे एक नींबू का रस डाल देंगे दोनों भुट्टों के ऊपर, ताकि हमारे जो भुट्टे हैं बहुत ही टेस्टी बन जाएं, बटरी और नींबू के खटास और मक्खन मसाले बहुत ही चटपटे से हमारे भुट्टे तैयार हो जाएंगे। देखिए सारा नींबू निचोड़ दिया है मैंने, इसको भी ला के इस तरह से लगा देती हूँ इसके ऊपर। अब इन चटपटे से मक्खन वाले भुट्टों को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, चटपटा सा मसालेदार एकदम मसालेदार भुट्टों को हम सर्व कर रहे हैं थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी लाल मिर्च और चाट मसाले के साथ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना हो किसी के ऊपर इसलिए। और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे चटपटे से मसालेदार भुट्टे धनिया के साथ। लीजिए एकदम तैयार हैं हमारे मक्खन वाले चटपटे मसालेदार भुट्टे। और सर्व करने से पहले आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू और डाल सकते हैं इसके ऊपर। देखिए इस तरह से थोड़ा सा नींबू और निचोड़ देती हूँ मैं। तो नींबू लगाने के बाद अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाट मसाला भी रख देते हैं ऊपर से, और इसलिए मैंने साइड पे ये दोनों मसाले सर्व किए थे एक्स्ट्रा लगाने के लिए। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी मैंने ताकि जो हमारे भुट्टे हैं बहुत ही चटपटे मसालेदार तैयार हो जाएं। देखिए अब इनको गरम गरम सर्व कीजिए इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चटपटी मसालेदार भुट्टे वाली रेसिपी पसंद आई होगी, जिसमें बटर भी है, नींबू भी है, चटपटे मसाले भी हैं। और मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ। आपने वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।